मैं प्रियंका और आपका स्वागत है द टेरेस किचन में। आज इस वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है कोरियन गोचुजांग की। कोरियन गोचुजांग एक तरह का चिली पेस्ट है, फर्मेंट करके बनाया जाता है और काफी सारी कोरियन डिशेस में इसका यूज किया जाता है। मेरा प्लान है कि मैं कुछ कोरियन डिशेस बनाकर दिखाऊं अपने चैनल पर उसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, तो सोचा कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोचुजांग से। मैंने इस रेसिपी को काफ़ी क्लोज रखा है एक्चुअल कोरियन गोचुजांग से, और जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो सारे हमारे यहाँ पर यानी हमारी कंट्री में लोकली मिल जाते हैं। तो आप बहुत ही आसानी से इस पूरी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, और ये जो समर टाइम है ये बिल्कुल सही है इसे बनाने के लिए, क्योंकि धूप में रख के इसे फर्मेंट किया जा सकता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में डालें पानी, टोटल 1 लीटर यूज़ करना है, फिलहाल मैंने यहाँ पर डाला है 0.5 लीटर। फिर ये है माल्टेड बार्ली आटा, यानी जो जौ का आटा होता है ये वही है, लेकिन ये माल्टेड वाली जौ है, यानी जौ को पहले भिगोया जाता है, उसमें से अंकुर निकाले जाते हैं, फिर सुखाकर उसका आटा बनाया जाता है। तो ये भी आपको स्टोर में मिल जाएगा, माल्टेड वाला मिले तो अच्छा है, पर अगर आपको माल्टेड वाला नहीं ही मिलता है तो आप नॉर्मल जौ का आटा यूज कर सकते हैं, बट माल्टेड सबसे बेस्ट होगा। तो ये भी इंडियन स्टोर्स में मिल जाता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ये ज़्यादा आसानी से मिलता है। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लें, एक विस्क यूज़ करेंगे तो गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा और पानी, तो टोटल 1 लीटर यहाँ पर यूज़ करना है, एक साथ नहीं डाल रही हूँ ताकि गुठलियाँ ना बने। नेक्स्ट है सोयाबीन का आटा। अब जो कोरियन गोचुजंग होता है उसमें सोयाबीन भी फर्मेंटेड वाली यूज़ की जाती है, पर वो हमें आसानी से नहीं मिलती है, तो नॉर्मल जो सोयाबीन का आटा होता है ये मैं रेडीमेड वाला यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो सोयाबीन दुकान से खरीद कर उसकी भी पाउडर बनवा सकते हैं। तो सोयाबीन तो बहुत ही आसानी से मिल जाती है, अगर आटा नहीं भी मिलता है तो सोयाबीन से आटा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ चावल का आटा, ये 1 कप चावल का आटा है, मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाता है, पर आप चाहें तो चावल का आटा भी घर पर बना सकते हैं। मिक्सी में बना रहे हैं तो ध्यान रहे कि बारीक पीसे और जो भी दरदरापन है वो निकालने के लिए आप आटे को छान कर यूज़ करें। अब इन सारी पाउडर्स को पानी के साथ मिला लेना है। जैसा आप देख रहे हैं फिलहाल मैंने इस बर्तन को गैस पर नहीं रखा है, ठंडे में ये सारी चीज़ें मैं मिला रही हूँ ताकि गुठलियाँ आसानी से निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने पूरा यानी 1 लीटर पानी यहाँ पर मैंने इस बर्तन में डाल दिया है। तो ये हमारा एक पेस्ट अभी बना नहीं है, पर ये पानी बना है जिसे हम पकाएंगे जब तक कि पेस्ट कंसिस्टेंसी का ये ना हो जाए। तो अब इस स्टेज के बाद मैं रख रही हूँ इसे गैस पर, तो मीडियम से हाई फ्लेम पर आप इसे पकाएं जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अगर आपके पास और भी गहरा यानी डीप बर्तन है, मोटे तले वाला, मोटे बेस वाला बर्तन है, उसका यूज़ करें ताकि जो ये मिक्सचर है ये बेस पर चिपके ना और जल्दी से उफन कर भी बाहर ना आए। लगातार चलाते रहें, जिस तरह से रबड़ी चलाते हैं, दूध की चीज़ों को चलाते हैं, वैसे ही चलाते रहना है इसे। ये देखिए काफी गाढ़ा हो गया है, पर अभी तक पेस्ट की तरह गाढ़ा नहीं हुआ है। तो इस स्टेज पर हमें डालनी है इसमें चीनी, 3/4 कप चीनी यहाँ पर मैंने डाली है मिठास के लिए। कोरियन गोचुजंग में डाला जाता है राइस सिरप, जो कि मीठा होता है, पर ये चीज हमारे यहाँ पर नहीं मिलती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर चीनी का यूज कर रही हूँ जो एक मिठास इसमें ऐड करेगी। बस चीनी घुल जाए और उसके बाद आप 2 से 3 मिनट उबाल आने दें और उसके बाद गैस बंद कर दें। मिक्सर को गैस पर से हटाएं और पूरी तरह से ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा और कलर भी देखिए हल्का सा डार्क हो गया है। अब हमें इसमें डालनी है लाल मिर्च पाउडर, तो मैं 1 कप लाल मिर्च यूज कर रही हूँ, जिसमें से आधी मेरे पास है ब्यारगी लाल मिर्च, आप कश्मीरी भी यूज कर सकते हैं। तो ये मिर्च जो है ज्यादा तीखी नहीं होती है, पर इससे बहुत अच्छा लाल रंग आ जाता है। तो हमें मिर्च को मिलाना है मिक्सचर को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद। 1/2 कप मिर्च मैंने डाल ली है, बचा हुआ जो 1/2 कप है ये नॉर्मल तीखी वाली मैं लाल मिर्च यहाँ पर यूज कर रही हूँ। तो 2 तरह की लाल मिर्च का मैंने यूज किया है। कोरियन गोचुजंग में कोरिया में मिलने वाली एक लोकल लाल मिर्च का यूज किया जाता है, पर हमारे यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी लाल मिर्च के ऑप्शन अवेलेबल है जो मैंने आज इस रेसिपी में यूज किए हैं। तो अब ये कोरियन गोचुजंग हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। नेक्स्ट इसमें हमें डालना है नमक। अब नमक, चीनी, इस तरह की चीजें हम हमारे घर में नॉर्मली जब अचार बनाते हैं तब यूज करते हैं। तो ये जो कोरियन गोचुजंग बनाने का प्रोसेस है ये एक तरह से अचार की तरह ही है, कोरियन तरीके से। ये आपको और समझ में आएगा जब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। नमक को भी अच्छे से मिला लें। अभी जो नमक है ये इतना भी नहीं है कि बहुत तेज लगे, जस्ट राइट है मिठास और तीखेपन को बैलेंस करने के लिए। ये देखिए गाढ़ापन एकदम परफेक्ट हो गया है।
अब नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल वैसा ही है जो हम अचार के लिए फॉलो करते हैं। तो हमें इस मिक्सचर को डालना है एक ग्लास के जार में, या फिर जो अचार वाली बर्नी होती है आप वो यूज कर सकते हैं। अच्छे से साफ की हुई और पोछी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल पानी अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप डाल दें कोरियन गोचुजंग, जो हमने बनाया है एकदम इंडिया में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है फर्मेंटेशन का। नॉर्मली हम अचार को भी कपड़े से ऊपर ढककर रखते हैं, धूप में रखते हैं, और फिर शाम को, क्योंकि शाम को ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ओस हो सकती है, तो ढक्कन लगाकर हम अचार को भी अंदर ले लेते हैं घर में। बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो करना है। एक पतला सा कॉटन का कपड़ा ले और ऊपर रबर से या फिर एक रस्सी से बांध दें। दिन के समय धूप में इसे रखें, और जैसे ही शाम होने लगे, अंधेरा हो जाए, तो आप कपड़ा निकाल दें, ढक्कन लगा दें और घर के अंदर इसे रखें। बस इसी स्टेप को अगर आप 2 से 3 महीने फॉलो करेंगे तो एकदम राइट फर्मेंटेशन हो जाएगा और आपका गोचुजंग रेडी हो जाएगा एकदम इंडियन तरीके से, इंडियन चीजों के साथ। अब इस पेस्ट का जो टेस्ट होता है तीखा होता है, हल्की सी मिठास होती है, हल्का सा अचारीफाइड होता है ये, पर हमारे नॉर्मल अचार के जितना खट्टा नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से जो कोरियन रेसिपीज़ है उनमें तो इसका यूज़ किया जा ही सकता है, लेकिन उनके अलावा हमारी जो इंडियन रेसिपीज़ है जहाँ पर हम नॉर्मली चिली का पेस्ट यूज़ करते हैं, सब्जी वगैरह में भी इसका आप यूज़ करके देख सकते हैं, एक फ्यूजन टेस्ट आ जाएगा और इतना भी अलग नहीं होगा कि हमारे इंडियन पैलेट्स को सूट ना करे। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। मैंने जो ऑथेंटिक कोरियन गोचुजंग है उससे काफ़ी इसे क्लोज रखा है, कीपिंग इन माइंड जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ वो स्पेशलिटी स्टोर्स में या महंगे स्टोर्स में ना मिले, एकदम लोकली जो हमें मिल जाता है वही सारी चीज़ें मैंने इस रेसिपी में यूज़ की है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और द टेरेस किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।